बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, के ह्यूमन बींग्स के अंदर गैसेस का एक प्रॉपर एक्सचेंज का सिस्टम होता है। यानी कि आप जो भी इनहेल करते हो, यानी कि ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है। अब वो जो गैसेस का एक्सचेंज है उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिस प्रोसेस को आप, जिस सिस्टम को आप क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन पार्ट इज एयर पैसेज वेज एंड द सेकंड वन पार्ट इज लंग्स। पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एयर पैसेज वेज। इज द नेम इंडिकेट एयर पैसेज वेज के हवा के गुजर का रास्ते, हवा के गुजर के रास्ते या तरीके के किस किस वे से, किस किस प्रोसेस से, किस किस पार्ट से होती हुई वो एयर जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट होती जाती है, आगे ट्रांसफ़र होती जाती है, ठीक है। हम लोग, क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि हम लोग ये एयर, ये ऑक्सीजन लेते कहाँ से हैं? तो वो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द एनवायरनमेंट, आपकी जो एनवायरनमेंट है वहाँ से, ठीक है। अब ये जो एयर पैसेज वेज है इसमें क्या होगा, आप जो एयर लोगे वो एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स से होते हुए, गुजरते हुए पहुँच जाएगी टूवर्ड्स द लंग्स, और लंग्स के अंदर ही आपको पता है कि गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो एयर ट्यूब्स के ज़रिए होती हुई लंग्स की तरफ जाएगी, तो वो एक प्रॉपर एक रास्ते बना रही है जिनको हम क्या कह रहे हैं, एयर पैसेज वेज, के इन इन तरीकों से, इन इन पार्ट्स से होते हुए एयर जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये जो एयर पैसेज वेज है ये डिफरेंट पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट वन पार्ट आ जाता है नॉस्ट्रल्स, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रीकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई। ये जो आगे डायग्राम है, इस डायग्राम में आप लोग सारे पार्ट्स देख सकते हैं, आपको सारे पार्ट्स शो हो रहे हैं, कहाँ पे नोज़ है, कहाँ पे नेजल कैविटी है, फैरिंग्स किधर है, लैरिंग्स किधर है, ट्रेकिया किधर आ रहा है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई, सारे पार्ट्स आपको डायग्राम में सामने क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं कि ये एयर इन पार्ट्स के ज़रिए किस किस तरह से मूव होगी, कौन से पार्ट से वो किस पार्ट की तरफ पास होगी। तो फर्स्ट वन जो पार्ट आता है उसको आप क्या बोलते हो, नोज़, कि सबसे पहले जो आप लोग एयर इनहेल करोगे वो आप नोज़ से करोगे। लेकिन अक्सर लोग मुंह के ज़रिए भी सांस लेते हैं, नाक के ज़रिए भी सांस लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सा ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है। आप माउथ के ज़रिए सांस ले रहे हो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए या नोज़ के ज़रिए? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, कि नोज़ के ज़रिए जो आप लोग एयर इनहेल करते हो उसका ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि नोज़ के अंदर डिफरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर हेयर्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया वगैरह हेयर्स के साथ क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो एयर होगी वो कहाँ पे एंटर होगी, नोज़। नोज़ से वो एयर पास होगी बाय द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स क्या है, आपकी नोज़ की जो ओपनिंग्स हैं, उन नॉस्ट्रल से वो एयर एंटर होगी और जाएगी टूवर्ड्स द नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी में जाएगी, वहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो म्यूकस और साथ साथ हेयर्स। म्यूकस क्या है कि फ्लूइड्स आपकी मेम्ब्रेन्स के अंदर जो होता है उनको आप क्या बोलते हो, म्यूकस, और साथ साथ क्या है, हेयर्स। तो इसकी हेयर्स की वजह से क्या होगा, वहाँ पे एयर जो है वो डस्ट फ्री हो जाएगी, यानी कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, और एयर वार्म हो जाएगी, मॉइस्ट वगैरह हो जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से। तो फिर वो एयर जब थोड़ी सी डस्ट फ्री हो जाएगी, डस्ट पार्टिकल्स उसमें से रिमूव आउट हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे हेयर्स के साथ, तो वो एयर थोड़ी बहुत साफ़ हो जाएगी, और वो एयर फिर नोज़ से कहाँ पे जाएगी, टूवर्ड द सेकंड पार्ट, दैट इज़ द फैरिंग्स। फैरिंग्स क्या है, 4.5 इंचेस लॉन्ग, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप साइड पर लेबल किया हुआ है फैरिंग्स का। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी क्या होगा, म्यूकस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, जो भी एयर वगैरह है वो क्या होती जाएगी, मॉइस्ट होती जाएगी,
ठीक है। अब एयर जो है वो मॉइस्ट वगैरह हुई, अब एयर कहाँ पे जाएगी, टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द लैरिंग्स, इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, कि आप लोग जो सांस लेते हो वो हवा जो आप लोग साउंड वगैरह प्रोड्यूस करते हो, आपकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है जो आप बोलते हो उसको आप क्या बोलते हो, वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं, लैरिंग्स को बोलते हैं, ठीक है। आप डायग्राम में भी देख लो, आपको लैरिंग्स क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो फैरिंग्स से वो एयर कहाँ पे जाएगी, लैरिंग्स में। लेकिन इस फैरिंग्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक तो ये फूड पाइप की तरफ भी इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है, और एक ओपनिंग इसकी कहाँ पे जाएगी, लैरिंग्स की तरफ। फिर ये जो फैरिंग्स है ये, इसके बाद एयर एंटर हुई लैरिंग्स में, वॉइस बॉक्स में, फिर वहाँ से वो एयर लैरिंग्स से कहाँ पे जाएगी, ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया को आप क्या बोलते हो, विंड पाइप, के लैरिंग से एयर एंटर होगी ट्रेकिया में, विंड पाइप में। और ट्रेकिया क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर क्या है, कार्टिलेजनस रिंग्स। आप डायग्राम में देखो आपको क्लियर नज़र आएगा कि ट्रेकिया के ऊपर छोटे छोटे रिंग्स से बने हुए हैं, 16-20 सी शेप रिंग्स। ये इसलिए होती हैं रिंग्स ताकि आपकी जो एयर आप इनहेल कर रहे हो तो उस दौरान आपका ट्रेकिया जो है वो क्लैप्स ना हो जाए, यानी कि बंद ना हो जाए, वो थोड़ा सा फोल्ड ना हो जाए, आपकी ईयर ईजिली आगे पास होती जाए, इसलिए ट्रेकिया के ऊपर वो कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ट्रेकिया के अंदर वो कार्टिलेजनस रिंग्स वगैरह होंगे और ट्रेकिया के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह होगी और साथ साथ एयर जो है वो वार्म होती जाएगी, डस्ट फ्री होती जाएगी, तो वो एयर फिर जाएगी टूवर्ड्स द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है कि ट्रेकिया ही आगे, आप डायग्राम में देखो दो स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं जिनको आप क्या कह रहे हो, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई फिर हर जो ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई थे, हर जो ब्रोंकाई है वो अलग अलग लंग में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। है ब्रोंकियोल्स के वो जो ब्रोंकाई एंटर हुई थी लंग्स में, वही ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होते जाएंगे तो क्या बना लेंगे, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ये ब्रोंकियोल्स के एंड पे क्या होगा, बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि जिस तरह अंगूर होते हैं उस तरह के आपको क्लस्टर से नज़र आएंगे, बंच नज़र आएंगे ग्रेप्स के, जिनको आप क्या बोलते हो, एल्वोलाई। एल्वोलाई के ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, उस स्ट्रक्चर के ऊपर ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। जब यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो गया, अब वो एयर पैसेज वेज ख़त्म, अब वो एयर कहाँ पे जाएगी, टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ द लंग्स। लंग्स आपकी कहाँ प्रेजेंट होंगी, चेस्ट कैविटी के अंदर, ट्विन नंबर होती हैं और मस्कुलर स्ट्रक्चर मतलब मसल से मिलकर बनी हुई होती है, इजी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती हैं। डायग्राम में आप लोग देखो तो आपको नज़र आएगा लंग्स के बिलो जो पार्ट होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, डायाफ्रेम। और लंग्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, हमेशा मेम्ब्रेन क्यों होती है, ताकि आपकी जो चीज़ भी प्रेजेंट है उसके अंदर वो क्या रहे, प्रोटेक्ट रह सके। जैसे आपकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग सी है जिसको आप स्किन बोलते हो, वो स्किन क्यों है, ताकि आपके बॉडी पार्ट्स क्या रह सकें, कवर रह सकें। इसी तरह लंग्स के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको आप क्या बोलते हो, प्लूरा, ठीक है, प्लूरा बोलते हो। और उस प्लूरा के अंदर एक फ्लूइड सा होता है जिसको आप क्या बोलते हो, प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्यों होता है, ताकि आप जब लोग जब आप सांस ले रहे होते हो, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हो, तो जब आपकी लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होती हैं उस दौरान आपकी वहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह प्रोड्यूस ना हो और ईजिली आपकी लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हों, इसी वजह से वहाँ पर ये फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। If you have any question, then let me know in the comment box and also subscribe my channel. Thank you so much.